ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। और एक बार जोर कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील भक्ति वेदांत माधव महाराज बन महाराज एंड गोविंद महाराज सज्जन महाराज और कौन महाराज सब नरसिंह महाराज रामचंद्र प्रभु और परमहंस महाराज और समस्त महाराज के चरण में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं जो कि कार्तिक महीना में और इतने सारे गुरु वैष्णव का जन्म तिथि और उनकी तिरभाव तिथि में उनकी जो कथाओं को हम श्रवण कर रहे हैं ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री गदाधर पंडित के पास में कथा सुनने जाया करते थे तब गदाधर पंडित प्रश्न करते थे, बोले प्रभु आज आप कौन सा विषय पर श्रवण करना चाहते हो? महाप्रभु बारंबार कहते थे मेरे को भक्तों का चरित्र बारंबार श्रवण कराया करो, क्योंकि भक्तों का चरित्र श्रवण करने से हमें जीवन में कैसे साधन भजन करनी चाहिए और उस साधन भजन में ये जो भक्ति मार्ग है, बोले भक्ति मार्ग यह कोटि कंट गरुद्ध, ये जो भक्ति मार्ग कद ये करोड़ों कांटा युक्त है, बोले खुरस धारा निशीत दुरतया दुर्गम पथस्तत कवयो बदंती। समस्त कवि लोग कहते हैं जो भक्ति मार्ग है जैसे ब्लेड को जैसे धार के ऊपर में तलवार का धार के ऊपर चलना और भक्ति मार्ग में चलना ठीक वैसे है। भक्ति मार्ग फूल का मार्ग नहीं है, कहती ये भक्ति मार्ग तो सूर वीरों का मार्ग है, कहती ये कायरों का मार्ग ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये सूर वीरों का मार्ग भक्ति मार्ग है। सूर वीरों का मार्ग मतलब क्या? जब कोई योद्धा युद्ध करता है उसको ऊपर में जितने प्रहार होना उसका खून उतना ही उबलता है, उसका खून में उतना गर्मी आता है और ऐसे जोश के साथ में वो युद्ध करता है। उसी तरह जो भक्ति मार्ग है ऐसे नहीं थोड़ी बहुत कोई इधर उधर हो गया भले ही कोई चीज छोड़े नहीं छोड़े, पहले तो ये माला ही छोड़ देते, मतलब ये माला छोड़ने के लिए पहले तैयारी बैठे, ये माला कब हमसे छूटे, ये माला ही नहीं छूट रहा है। इसलिए जब हम भक्तों का चरित्र को हम श्रवण करते हैं उसी समय में हमारे क्या लगता है कैसे इनके जीवन में कितनी बाधा कितनी विपत्ति आई, लेकिन इन लोगों ने इसलिए प्रभुपाद अंतिम समय में ठीक अंतर्ध्यान होने से कुछ दिन पहले सारे भक्तों को श्री प्रभुपाद बुलाए। प्रभुपाद का ही अंतिम उपदेश है सत्य लांछना सत्य गंजना सत्य अपमान सुन करके भी हरि भजन नहीं
छोड़ना, ये प्रभुपाद का उपदेश है। इसलिए मेरे गुरुदेव भी यही कहते थे, किसी तरह से एक जीवन मंदिर में किसी तरह से, गुरुदेव कहते थे किसी तरह से बिता दो गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए, क्योंकि हम सबके सब संस्कार विहीन भक्त हैं। गुरु वैष्णव तो कैसे किसी तरह से हमें चोटी पकड़ कर कैसे ले आई, ये समझो। किसने प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद जो अमुक जो ब्रह्मचारी था ना उसने चला गया। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, बोले जो चला गया तक चला गया, अभी तक तो जो है, अभी तक तो मैं सोच रहा हूँ अभी तक तो कैसे मंदिर में है, अभी तक मंदिर में कैसे है, यही चीज मैं सोच रहा हूँ। इसका मतलब है प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं, भैया जो भक्ति मार्ग है ना, बोले कोटि स्वपी महामने भक्ति कोई ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। किसी सौभाग्यवान को ये भक्ति रूपी लता की बीज किसी सौभाग्यवान को ही जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग अभी हमारे विशेष करके हमारी भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज जी के, भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, हमारे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के ये शतवार्षिकी उपलक्ष्य भी है, उसी के उपलक्ष्य करके भी हमारे माधव महाराज ने ये 3 दिन तक उन्होंने ये संस्मरण को उन्होंने रखे हैं। इसलिए गत गल्य हम लोग श्रील भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, ये दोनों का ही कल तिरुभाव महामहोत्सव था। कहते हम लोग को देखो, ये वैष्णव जगत के दिव्य जगत है। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़े ना, हम कहते हो मर गया, लेकिन ये भक्ति जगत में मरने का कोई शब्द है ही नहीं। यहाँ पर अंतर ध्यान, तिरोधान, अप्रकट, विरह, महोत्सव यहाँ पर प्रयोग करते हैं। कहते ये महोत्सव क्यों प्रयोग करते हैं, बोले कारण है यहाँ पर तो दिखाई पड़ता है जैसे वो चले गए। बोले गए तो गए कहाँ, बोले संगे आई सने संगे जान तथा ही। वो भगवान की इच्छा से इसी जगत में आते हैं, जब उन्होंने इसी जगत में आकर के अनंत कृष्ण बहिर्मुख व्यक्तियों को जब कृष्ण भक्ति रस में उनको प्लावित करते हुए, कृष्ण भक्ति रस में सराबर करते हुए जब इस जगत को छोड़ करके जाते हैं, मानो गोलोक वृंदावन में प्रिया प्रियतम और श्री मन चैतन्य महाप्रभु उनको वहाँ स्वागत करते हैं। कितने अनंत जीव को उन्होंने भक्ति में लगा करके आए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, जो माया में जो फंसे हुए जो जीव है, अगर किसी तरह से एक जीव को, दूसरे जीव छोड़ दो, एक जीव को अगर कृष्ण कथा सुना करके उनको बहिर्मुखता को अगर उनको उन्मुख कर दिया जाए, प्रभुपाद कहते हैं करोड़ करोड़ हॉस्पिटल, करोड़ करोड़ स्कूल, करोड़ करोड़ कॉलेज करने में जो परोपकार होगा उससे अनंत करोड़ गुण में परोपकार होगा। अगर एक जीव को हम भगवान की भजन में लगा दे तो इतने महत्व है एक व्यक्ति को भजन में लगाना। इसलिए यहाँ पर तो दिखाई पड़ता है चले गए, लेकिन कहीं नहीं गए, अपना नित्य लीला में ठाकुर जी की सेवा में वो चले गए। इसलिए गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, वैष्णव गुरु वैष्णव का जो अंतर ध्यान हो किस तरह से, एक उदाहरण देकर समझाया करते थे, जैसे भगवान की जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जह व्यतीतत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। जैसे कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरा जो जन्म और जो कर्म है ये अप्राकृत, ये दिव्य है। अगर तत्वतः ये चीज को कोई समझ जाए, शरीर त्याग करने के बाद जगत में फिर जगत में जन्म ग्रहण उसको करना नहीं पड़ता है। इसलिए बोले न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानांच विद्यते, वैष्णव का कोई जन्म कर्म कोई बंधन नहीं है वैष्णवों का। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक उदाहरण देकर समझाए, बोले एक कोई एक नट, उसने अपना जादू विद्या दिखाने के लिए किसी राज दरबार में अपना नटिनी पत्नी और उनने 2 बच्चों को लेकर के आए। जब 2 बच्चों को लेकर के आए, हम हाथ की सफाई दिखाएंगे और इतने सुंदर उनने जादू विद्या दिखाई, राजा तो देख करके गदगद हो गए। जो रानी थी अपनी गला की एक हार को निकाल करके उन्होंने जो नटनी थी उसकी हाथ में दे दिया। उसको 2 बच्चे थे,
एक साथ में दो बच्चे झपटे, झपट करके वो हार को दोनों दोनों तरफ में पकड़े करके खींचने लग गए। कोई किसको देने के लिए तैयारी नहीं। इतने में दोनों को पास में था तलवार, एक साथ में उन्होंने अपना तलवार को निकाले और निकाल करके दोनों दोनों को ऊपर चलाए तो दोनों दोनों को गला को काट दी। वहां लहू लहान हो गया। और नटिनी जब देखा मेरे दोनों बच्चे ही गए, फिर मैं रह करके क्या करूंगी, उसी में भी वो तलवार लेकर अपना सर को वही काट दिए। लेकिन नट ने देखा जब मेरी बीबी दोनों बच्चे ही गए, फिर मैं क्या करूंगा, वो भी अपना गले को काट करके उन्होंने अभी वहीं पर सुहा कर दिया। लहू लहान हो गया। रानी बड़ी दुखी हो गई, राजा बड़े दुखी हो गए। क्यों? वहां पर आनंद की लहरी छा रही थी, अभी पूरा पूरा शोक की लहरी छा गया। रानी बोले मैंने क्यों ये हार देकर के अनर्थ की। बोले जाओ इस शरीर को लेकर के संस्कार कर दो। जब संस्कार कर दिया, दो दिन बाद में एक लेटर आया। बोले महाराज महारानी, हमारी प्रणाम स्वीकार हो। अब की राज दरबार में मैंने जो हाथ की सफाई दिखाई, अपने पहला उपहार तो मेरे को दिया, लेकिन जो अंतिम मैंने हाथ की सफाई दिखाई, अभी तक उसको पुरस्कार मेरे को मिला नहीं। हमने कहीं मरे नहीं, हमारी ये एड्रेस है, पति पत्नी बच्चों को साथ में बड़े आनंद पूर्वक रह रहे। राजा बोले क्या हमारे सामने तो, बाप रे बाप, इसलिए कहते हैं हमारे सामने तो गए, पर जिंदा कैसे? उन्होंने मंत्री को रानी को बुलाया, बोले पत्र देखो, बोले अभी जिंदा है। बोले चलो उसके लिए उपहार लेकर के आओ। चलो जब उपहार लेकर के मंत्री रानी गए ना, देखा वो जादूगर अपना पत्नी को साथ में, बच्चों को साथ में मुस्कुराते हुए उधर से पान खाते हुए आ रहा है। तब यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अगर साधारण एक जादूगर अगर ऐसे हाथ की सफाई दिखा सकते हैं, फिर भक्त लोग क्या नहीं दिखा सकते। जो भक्त है भगवान की, जो नित्य परिकर है भगवान की, वो क्या नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन जैसे ध्रुव महाराज, इनको सकाम भक्त बताया जाता है, लेकिन इन्होंने साक्षात मृत्यु को सर के ऊपर प्यार रख कर उन्होंने वैकुंठ विजय किया। मध्वाचार्य भी ऐतरीय उपनिषद को पाठ करते करते देवता लोगों स्वर्ग से पुष्प की बौछार की और उनका शरीर पुष्प से ही ढक गया और खोल कर देखा है नहीं। इसलिए भक्त लोग भी और जो राधा रानी के मंजर निजजन हो, क्या नहीं कर सकते, वो जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी प्रश्न होता है फिर उन्हें शरीर क्यों छोड़ करके जाते हैं, कारण किया। बोले बहुत बड़ा एक रहस्य है, क्योंकि भगवान की केवल एक ही आविर्भाव तिथि हमें प्राप्त होता है। जैसे कृष्ण राम नरसिंह देव, केवल उनकी जन्मतिथि हमें मिलता है, लेकिन वैष्णव लोग बड़े दयालु बड़े कृपालु है, उनकी दो दो तिथि हमें मिलती है, एक आविर्भाव और एक तिर्भाव तिथि है। क्योंकि इनकी दो तिथि आने पर हम क्या कर सकते हैं, इनकी दोनों तिथि में उनकी कथाओं को, उनकी शिक्षाओं को, उनकी भजन आदर्श को हम लोग विवेचना कर सकते हैं। इसलिए भगवान से भी ज्यादा अगर कोई कृपावान हो, कौन है, ये वैष्णव ठाकुर और श्री गुरुपाद पद्म है। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। इसलिए हमारे श्री दो दो महाराज जी, तीन तीन महाराजों को ये तिरुभाव महा महोत्सव है। इसलिए अभी अभी तक आप लोग श्रवण कर रहे थे, गत कल हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज की तिरुभाव तिथि गई है, उनको बारे में दो कथा में सुना देते हैं। कहते महाराज जी आप लोगों ने श्रवण किया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये कौन थे? कहते ये कृष्ण लीला में राग मंजर राधा रानी की ये निज जन थे। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगत में आए, कहते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार सदसियोधाम अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवार दान सिखाई शरणागति भक्त तेरा प्राण। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु धाम और परिकर को लेकर के आए, श्रील प्रभुपाद भी अकेले नहीं आए। प्रभुपाद कौन? बोली राधा रानी की नयन मणि मंजर, ये प्रभुपाद।
जब उन्होंने राधा रानी ने ये जगत का दुर्दशा को देखा, कैसे जीव कृष्ण विमुखता को प्राप्त करते हुए कैसे संसार में दुख कष्ट को उठा रहे, ये चीज को देख करके राधा रानी स्वयं अपना नयन मणि मंजरी श्री प्रभुपाद को आदेश देते हैं। बोले नयन मणि मंजरी जाओ, ये जगत में हरि भक्ति को प्रचार करो, हाँ हरि भक्ति को प्रचार करो, लेकिन अकेले मत जाया करो, तुम अपना परिकरों को लेकर के जाओ। इसलिए प्रभुपाद अपना परिकरों को लेकर के प्रभुपाद आए हैं। इसलिए जिस समय प्रभुपाद अत्यंत अत्यंत दुखी हो गए, बोले क्यों, बोले गुरुवर्गो ने हमें जो आदेश दिया है जगत में हरि भक्ति को प्रचार करने के लिए, मेरे पास में जन बल नहीं अर्थ बल नहीं, मैं कैसे पालन करूं। उसने स्वप्न समाधि में दर्शन किया, स्वयं वहां पर स्वयं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, महाप्रभु अपना परिकरों को साथ में प्रकट होते हैं। बोले कोई चिंता मत करो, तुम समझ रहे हो अकेले अकेले नहीं, केवल तुम चेष्टा करो, तुम्हारे पीछे हम मदद करने के लिए सबके सब हम तैयारी है, हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मेरी अंदर में इतने उत्साह हो, मैं तो सोच रहा था मैं अकेला हूँ, लेकिन सुना वो अकेले नहीं, मेरे साथ में महाप्रभु परिकरों को साथ में। प्रभुपाद कहते मेरे अंदर में 100 गुणों ज्यादा एनर्जी आ गया। उसको बाद में सारे ग्रंथ प्रकाश करना, ग्रंथों को प्रकाश करना और प्रचार के लिए मैंने कोशिश हमने किया है। उसी गण में एक है हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज। ये बामन गोस्वामी महाराज, इसलिए आप लोग इनकी दिव्य चरित्र को श्रवण कर रहे थे, कहते इनका जो चरित्र है, कहते हैं कहते श्री नारद जी की चरित्र को साथ में इनका चरित्र मिलता है। बोले नारद जी श्री व्यास देव को, जब व्यास देव ने सारी ग्रंथ को रचना करने का बावजूद भी उनको शांति नहीं मिली, तब नारद जी वहां पर उपस्थित होकर के उन्होंने अपना आत्मचरित्र को सुनाया। बोले देखो, अगर जीवन में शांति व जीवन में संतोष पाना चाहते हैं, इसलिए इनका घर का नाम भी संतोष ही नाम था, अगर जीवन में संतोष पाना चाहते हो तब उन्होंने क्या करो, तब उन्होंने अपना आत्मचरित्र सुनाए, जीवन में मैं इतने बड़े संत बना तो बना कैसे। तब उन्होंने उसी तरह श्री बामन गोस्वामी महाराज का चरित्र में भी दिखाई पड़ता है, उन्होंने जो बचपन में श्रवण कर रहे थे ना, जो उन्होंने वैष्णव सेवा किया, कहते ना छाड़िया वैष्णव सेवा तारवर की निस्तार पैचे की बा, इसलिए बिना महत पदो रजो अभिषेक न, इसलिए शास्त्र कहता है, कहते महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नाह एक है। जपर्यंत बंगला बोल दी चक्टू, जपर्यंत महत साधु देर कृपा ना है, अपनी जीवन में जा किचु करुणा के नो किचु ते जीवन भगवत भक्ति प्राप्त करते पारवे ना। ऐ जन रघुगण महाराज अमदर श्री भरत महाराज बोल छेन, रघुगण न तपस्या न जाति न इजया न निर्वाप न गृहात बा, नैव छंदसा नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजो विषयकम। बोले जपर्यंत को महत पुरुष रे चरण हमारा शरणागत ना है, तार सेवा ना करना, जीवन तुम्हें जा किचु करार तुम्हें कर दाओ, शास्त्र बोलचे भगवत भक्ति तुम्हें कखने पेते पारवे ना। सब तक सरल उपाय होलो वैष्णव दर चरण रे सेवा। एजने नरतम दास ठाकुर की बोलचे, वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव पराय। जने श्री बामन गोस्वामी महाराज तिनी छोटो वयसे तिनी समस्त वैष्णव दर तिनी सेवा कर श्रवण कर चले ना, समस्त वैष्णव दर तिनी सेवा करते, एजने सेवा करा दरुन सबाई उनारा ऊपर कृपा कर छे। एजने वैष्णव दर कृपा पावा दर तिनी बोलते, देखो आमी लेखा पढ़ा कर छे, अमर संग अनेक छलेराव लेखा पढ़ा कर छिलो, किंतु केउ एकटा मटे थाकलो ना, किंतु ये अधम पढ़िया रह लो चल, इसलिए ये अधम एकमात्र थे कि गल। बोले कि करे, बोले आमी जखन स्कूले जेताम ना, तखन ओई स्कूले रे मते जतटुकु पढ़ाशुना करताम ततटुकु पढ़ाशुना करताम, मठे आसे आर पुस्तक देखताम ना, पुस्तक खुलताम ना, तखन आमी गुरु वैष्णव सेवाई करताम आमी। ए जने जखन गुरु वैष्णव सेवा करते, एक समय बोर्ड परीक्षा है, जखन बोर्ड परीक्षा है और रिजल्ट ऐसे प्रभुपात्र का छे,
हरि ओम। সন্তোষ কেবল সন্তোষ এই যে বোর্ড পরীক্ষা হয়েছিল না তুমি ফেল হয়ে গেছ কি হয়ে গেছ তুমি ফেল হয়ে গেছ কিন্তু দেখুন ওনার কত আত্মবল গুরু বৈষ্ণব সেবাতে ওনার কত নিষ্ঠা তিনি বলছেন যদি কেউ জীবনে সারা জীবন যদি কেউ গুরু বৈষ্ণবের সেবা করে না সে কখনো ফেল হতে পারে না সে কখনো আর ফেল হতে পারে না সত্যি সত্যি প্রভুপাদ বললেন ওই বোর্ড পরীক্ষার্থী তুমি সর্বপ্রথমে নম্বর পেয়েছ বলে সে সজ্জন সেবক কি তিনি এত আত্মবিশ্বাসী ছিলেন গুরু বৈষ্ণব সেবাতে কখনো কেউ ফেল হয় না এই জন্য তিনি জীবন দিয়ে গুরু বৈষ্ণবদের সেবা তিনি জীবন দিয়ে তিনি সেবা করছেন এই জন্য প্রভু তিনি বলছেন কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা ভাগিনী ছাড়িয়ে আছে যারে সেই তো বৈষ্ণব বৈষ্ণব কাকে বলে যায় যদি এই তিনটি বস্তুকে যদি কেউ ছাড়তে পারে তবে তিনি বৈষ্ণব হতে পারে কিন্তু এনার মধ্যে দেখা যায় এই যে তিনটি গুণ পরিপূর্ণ রূপে এনার মধ্যে তিনটি গুণ আছে শাস্ত্র প্রভুপাদ কেতে আগে বৈষ্ণব বনে কে লিয়ে আপকো তিন চিজে দূর রহনা পড়েগা কনক কামিনী আর প্রতিষ্ঠা লেকিন দিখাই পড়তা যে প্রতিষ্ঠা হ্যাঁ সবসে কে কই আপনা পরিবার পুত্র পরিবার সব ছোড় সকতা হ্যাঁ লেকিন প্রভুপাদ দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব এই কীর্তনের মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠাকে প্রায় তিনি ব্যবহার করতেন কেন কিয়া কারণে কিয়া বলে কারণে সব চিজ ছোড় সকতে লেকিন ইয়ে প্রতিষ্ঠা ছোড়না বড়া কঠিন লেকিন হমারে শ্রী বামন গোস্বামী মহারাজ কা জীবন মে ইয়ে মানো ইয়ে অত্যন্ত অত্যন্ত জাজুল্য প্রমাণ স্বরূপ প্রতিষ্ঠা থেকে যে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা এই তিন বস্তুকে সম্পূর্ণ যে ছোড় করে রেখে থে ইয়ে থে বেদান্ত সমিতি কা প্রেসিডেন্ট থে লেকিন হোনে পর ভি ইনকে অন্দর মে কোই অভিমান নেই থা কোই অভিমান নেই কোই আগর কুছ পুছনে আতে থে মহারাজ কিয়া করনা বলে যাও আমার গার্জিয়ান শ্রী ভক্তি বেদান্ত শ্রীল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ হয়ে গেছে আমি তো 5 মিনিট হলো আগে এই জন্য বলতেন তিনি আমাদের গার্জিয়ান হলে হে শ্রীল ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ আপ ইনকো পাস মে যায়া করো হ্যাঁ প্রেসিডেন্ট হতে হুয়ে ভি ইনকে অন্দর মে কোই কিসি তরহ কা আর জব ও দীক্ষা মন্ত্র জানে যাতে থে দীক্ষা মন্ত্র দেনে কে লিয়ে যাতে থে উস সময় শ্রীল ভক্তি বেদান্ত শ্রীল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ কো পাস মে আতে থে বলতে থে মহারাজ হমে আদেশ দো ইয়ে পাপ কর্ম করনে কে লিয়ে মে যা রহা হুঁ দীক্ষা মন্ত্র দেনে যা রে কে তুমি ইয়ে পাপ কর্ম কিউকি শিষ্য কা জব দীক্ষা মন্ত্র দেনা মতলব হে কেতে শিষ্য কো সারে পাপ কো গ্রহণ করনা হোতা হে ইসলিয়ে মেরে কো ইয়ে পাপ কার্য মে প্রবৃত হোনে মে যা রহা হুঁ আপ কৃপা করকে মেরে কো আদেশ প্রদান করো এইসে ইয়ে নিরীহ বৈষ্ণব থে কনক কনক মতলব হোতা হে পয়সা আপ শ্রবণ কর রহে থে কবি উন্হোনে ব্যাংক মে কবি গয়ে নি কবি নাহি গয়ে ইসলিয়ে কুছ কুছ বৈষ্ণব লোক কহতে হে ভাইয়া ইয়ে বৈষ্ণব কা জো চরণ ধুলি হে না হামারে ঘর মে নাহি পড়তা ব্যাংক মে পড়তা হে ব্যাংক মে যাকর দেখো উনকা চরণ ধুলি সারে ব্যাংক ব্যালেন্স রখতে হে লেকিন কবি বৃন্দাবন মে অক্সর করকে সাধু লোক কিয়া করতে হে জো এক এক পয়সা মিলতা না সারে ব্যাংক মে ডিপোজিট করতে হে আর লাস্ট মে জব শরীর ছোড় দেতে কোই তো পিছে হে নাহি সারে ব্যাংক বালে পয়সা খা জাতে হে সারে খা জাতে লেকিন ইয়ে হামারে ভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ উনকা পকেট হি ব্যাংক থা ও পকেট কবি হামনে দেখা থে মথুরা মে আতে থে জো কুছ উহাঁ প্রণাম উনকো মিলতা থা ও জাতে সময় না কিসকো বলতে নেই থে জাতে সময় ও প্রণামী বাক্স মে ছুপা করকে হ্যাঁ প্রণামী বাক্স মে ছুপা কর কিসি মন্দির মে জাতে থে প্রণামী বাক্স মে ছুপা করকে দেখ রে চলে জাতে থে আর জো খোলতে থে সারে প্রণাম হি পরে সারে প্রণাম হি পরে ইসলিয়ে এইসে ইয়ে দীনহীন বৈষ্ণব থে ইসলিয়ে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা আর কহতে কনক কামিনী কামিনী মতলব হোতা হে স্ত্রী ইয়ে ভি বড়া মায়া হে
लेकिन कभी इनकी जीवन में कितना पूरा जैसे चंद्रमा जैसे प्रकाश लिए, सूर्य जैसे अत्यंत अत्यंत जो पवित्र है, कभी भी इनकी जीवन में कहीं दिखाई नहीं पड़ा किसी स्त्री को साथ में कोई इनके संबंध है। इसलिए ब्रह्मचारियों को सावधान रहनी चाहिए। ये जो स्मार्टफोन है ना, ये दो धार की तलवार है, यही मरवा सकती हैं, यही हमें बचा सकती हैं। इसलिए साधु सावधान, ये स्मार्टफोन अभी अभी ब्रह्मचारियों को इतने जीवन इनको बिगाड़ रहे हैं, ये साधारण लोग का जीवन तो बिगाड़ रहे हैं, ये संतों का जीवन को भी ये स्मार्टफोन बिगाड़ने वाले। अगर भैया भक्ति करना है ना, ये स्मार्टफोन से भैया दूर रहा करो। इसलिए मेरे को कोई बोले महाराज आपके बड़ा फोन रख दो, मैंने कहा नहीं, ये छोटा फोन केवल कहीं अगर प्रोग्राम के लिए जरूरत है इसलिए रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं रखूँगा ना, मेरे जो भक्त लोग बोलेंगे बोले गुरु जी के पास में है ना, गुरु जी भी देखते ही दिन भर। इसलिए हमने ये जो चीज़ है ना, इतने खतरनाक चीज़ जो सोच नहीं सकते। इसलिए हमारे भक्ति वेदन बामन गोसाई महाराज जीवन में ये अत्यंत अत्यंत ये चाजुल्य कहीं भी जीवन में कहीं दाग तक भी नहीं, कई स्त्री को साथ में कहीं इनकी संबंध है, हैं? इसलिए कहते हा हंत हंत विश्व भक्षण असाधु, कहते 20 खाने से एक जीवन बर्बाद होता है। लेकिन प्रह्लाद महाराज कहते हैं एक स्त्री को साथ में अगर एक रात किसने बिताया तो मरने का पहला तक भी वो स्मरण को वो भूल नहीं सकती, इतने उसको ऊपर में बुरे संस्कार पड़ता है। लेकिन हमारे भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज जीवन में अत्यंत अत्यंत उज्ज्वल जीवन इनकी है। भले इन्हें जो प्रेस में काम कर रहे थे, कभी सुन रहे थे उनका अंगुल भी चला गया था, उन्होंने जब प्रेस में काम उन्होंने किया बहुत अथा परिश्रम करके किया है, उसलिए उनको कभी अंगुल भी दब गया। लेकिन इनकी गुरुदेव जब उनको पता चला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को, उन्होंने उनको आलिंगन करके ऐसे अझोर नयन में रो रहे थे। वह भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे मंदिर में जितने सारे सेवक है एक तराजू लो, तराजू का एक तरफ में उनके सारे सेवा चेष्टा को रख लो, भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज को, दूसरे तरफ में मंदिर के सारे सेवक का सेवा चेष्टा को एक तरफ रखोगे, इनकी पला भारी पड़ेगा। इतनी बड़ी बात इनके लिए कहा करते थे, कौन कहते थे? गुरुदेव स्वयं ये बात कहते थे। अगर गुरुदेव अगर हमारी सेवा चेष्टा में गुरुदेव अगर प्रसन्न हो जाए, इसलिए कभी उन्होंने सेवक को पूछे बोले बताओ तो भक्ति का डेफिनेशन क्या है। सब लोग ने भक्ति की अलग अलग डेफिनेशन बताए, सा परानुरक्ति ईश्वरे अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता अन्याभिला बहुत सारी बताए। लेकिन जब श्री बामन गोस्वामी महाराज को पूछे उनको गुरुदेव भक्ति का डेफिनेशन किया, उन्होंने बोले भक्ति भक्ति में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ अपना गुरुदेव को जानता हूँ। अगर मेरी सेवा चेष्टा से अगर मेरे गुरुदेव अगर प्रसन्न हो गए, मैं समझ गया मेरी भक्ति हो गई। अगर मेरी सेवा चेष्टा से अगर गुरुदेव प्रसन्न नहीं होते, मैं समझूंगा मेरी भक्ति भक्ति कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव संतुष्ट नहीं। इसलिए मतलब हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज सुनकर इतने खुश हुए, बोले सही तुमने बात बताई, मतलब इनका जीवन चरित्र शिक्षा इतनी अच्छी। हमारे श्री गोविंद महाराज जी, उन्होंने भी गुरुदेव का पत्रावली भी महाराज निकाले, बहुत उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा मुझे लगता है महाराज बहुत परिश्रम किए बहुत सारे पत्र को। अगर जीवन में भक्ति करना चाहते जरूर गोविंद महाराज जो ग्रंथ निकाले ना, जरूर ग्रंथ पढ़ा करो, क्योंकि अलग अलग समय पर भक्तों के जीवन में अलग अलग समस्या आती हैं। सबके सब गुरुदेव के पास में पत्र लिखते थे, हैं? लेकिन उसी समय इसलिए बामन गोस्वामी महाराज भक्तों का भक्ति जगत में क्या क्या बाधाएं आती हैं, वो बाधा को कैसे दूर करते हुए भजन करना पड़ेगा, ये पत्र में अद्भुत रूप में उन्होंने सारे जीव का अंदर में जितने समस्या है उन्होंने दूर किया। हमारे गोविंद महाराज जो ग्रंथों को प्रकाशित किए, आप लोग जरूर ये ग्रंथों को अगर महाराज कृपा करके अगर हिंदी भाषा में कर दे तो बहुत बढ़िया होता है, हो रहा है ना? हाँ महाराज, बहुत उन्होंने अथा परिश्रम करके, और मैंने उनकी महाराज बोले बामन गोस्वामी महाराज का चरित्र दो, मैं वहाँ से महाराज ने जो पत्र एकत्रित किए थे वहाँ से मैंने देखा है ना, क्योंकि 108 उपदेश महाराज ने जो लिए वहीं से ही मैंने लिख के महाराज उपदेश दिया है। इसलिए महाराज का हम लोगों पर बड़ी कृपा है, इसलिए हम सबको ऊपर महाराज जी कृपा करें, जैसे जिंदगी भर उन्होंने गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए दीनहीन होकर के मठ में पढ़ते हुए गुरु वैष्णव की सेवा किया,
अगर हम एक जीवन किसी तरह से मठ में जीवन बीत जाए, समझो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। हम यही बोल कर उनके चरण में हम सत सत बार नमन करते हैं। हम सबको ऊपर मुक्ति कृपा बच्चा को